सामने टुट्टू वाला है देखो, ये गुरु ये भी घूम रहा है इधर कि मेरा भी कुछ हिसाब किताब बन जाए। ये सामने जो है मंदिर है यात्री की से कम नहीं है। ये देखो ये जूते, जूतों की पोजीशन देखो, बर्फ हुआ है जूतों के ऊपर। अरे यहाँ से है ना, तो मंदिर के नीचे लोगों ने जूते उतार रखे ना, उनके ऊपर बर्फ देखो कितना जमा हुआ है। ये देखो तो सब जो है इधर देखो, ये बर्फबारी देखो जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यात्री अभी जो है भीग रहा है बारिश में। ये देखो ये सब जूता जाता है इधर उधर। ये मंदिर है, ये भोले बाबा का मंदिर है, इसके ऊपर भी सब बर्फ़ पड़ गई है और सामने देखो बर्फ पड़ रही है। आ रही समझ में आपके? देखते वो सामने देखो बर्फबारी, इधर देखो ये कुर्सी में जो बर्फ पड़ी हुई है। मैं फोटो खींचने लायक हो रखी, वो सामने देखो बर्फ, सामने आमने नीचे ऊपर सब रोडों पे सब जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फबारी बहुत भयंकर तरीके से जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग बाग भी जो है लुप्त ले रहे हैं बर्फ का, यात्री का कोई पता नहीं है कब आ रहा है कब जा रहा है, कुछ पकड़ा जा रहा है कुछ नहीं। समस्या बड़ी कठिन है, यहाँ की परिस्थिति देखने लायक है। और इधर तोड़ फोड़ भी हो रखी है, गवर्नमेंट नए ढंग से बना रही है इसको, तो बहुत बुरा हाल है। ये देखो ये बर्फबारी, कूड़े के ऊपर बर्फ, ये देखो ये बर्फ़ के ढेर। ये सामने देखो ये अलकनंदा नदी के आसपास देखो क्या पोजीशन हो रखी है, सब तोड़ फोड़ भी हो रही है और उधर वो बर्फ़ भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कोई फोटो खींच रहा है, कोई देख रहा है कि इधर का उधर क्या होता है। भगवान मालिक है और जो